केंद्र सरकार विरुद्ध देहली सीएम अरविंद केजरीवाल वाग्दाळी नडेसिदारे। नाळे बीजेपी विरुद्ध बृहत् होराटक्के आम आदमी पक्ष सज्जागता इदे। नाळे बीजेपी सरकार विरुद्ध बृहत् होराट नडेसोदक्के आम आदमी पक्ष सज्जागता इदे। तन्न आप्त पीए विभव कुमार बंधन बेन्नल्ले अरविंद केजरीवाल निर्धार माडिदारे। नाळे बीजेपी केंद्र कचेरी मुत्तिगे हाकोदक्के अंत ತಯಾರಿಯನ್ನಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಬಿಜೆಪಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ನನ್ನನ್ನ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು। ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಆಪ್ತ ವಿಭವ್ ಕುಮಾರ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ। ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೈಲ್ ಕಾ ಖೇಲ್ ಜೈಲಿನ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಇದೀಗ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ। ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। देख रहे हो किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए ये लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, ये नहीं कर पा रहे, इसलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी, ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, MLAs MPs सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली, आप एक बार जा डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता इस ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डाल दो। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से